हेलो एवरीवन, आई एम पेशेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में एंड उनके फीचर्स के बारे में डिटेल में। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा? सबसे पहला फीचर है सेल शेप। जो पैरेन्काइमा की सेल शेप है उसके सेल है आइसोडायमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, सबका डायमीटर लगभग सेम रहेगा एंड जो उनकी शेप रहेगी रहेगी ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल इन शेप। और जो कोलेन्काइमा की शेप रही हो रही है सर्कुलर, ओवल और पॉलीहेड्रल। एंड स्क्लेरेन्काइमा हैव वेरिएबल शेप और इसके पास रहेगी फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। सेल वॉल पैरेन्काइमा क्योंकि एयर एंड उसमें जैसे कि पैरेन्काइमा सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है तो इसकी जो सेल वॉल रहेगी बहुत ज़्यादा थिन रहेगी। एंड कोलेन्काइमा की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं बट थिक रहेगी, लेकिन हर जगह से सेम थिक नहीं रहेगी, कहीं से थोड़ी ज़्यादा थिक कहीं से थोड़ी कम थिक, थिक मतलब मोटाई उसकी। एंड स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या रहेगा? लिग्निफाइड, लिग्निन। अब जब लिग्निन आ जाएगा सेल वॉल में तो उसको बोलते हैं कि लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा में बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म है क्योंकि इसमें लिग्निन तो बिल्कुल भी नहीं है, थिन सेल वॉल है। थिन है तो मान लो ये सेल है इसका और यहाँ पे थोड़ा सा ही इसका स्पेस गिरा हुआ है, पूरा सारा साइटोप्लाज्म तो है, इसका बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा। कोलेन्काइमा में प्रेजेंट रहेगा एंड स्क्लेरेन्काइमा में बहुत एब्सेंट रहेगा। अगर होगा भी सही तो बिल्कुल नैरो होगा, तो हम बोल देंगे एब्सेंट ही रहेगा। इन पैरेन्काइमा व्हाट अबाउट न्यूक्लियस? पैरेन्काइमा में प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस और लिविंग टिश्यू है क्योंकि ये कोलेन्काइमा में प्रेजेंट रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है तो इसलिए एब्सेंट रहेगा। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल, कोलेन्काइमा वैक्यूलेटेड होगी बट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होगी, ये डेड है तो इसलिए इसमें एब्सेंट रहेगा। इंटर सेलुलर स्पेस, इसका मतलब है सेल के बीच का स्पेस, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा, कोलेन्काइमा में एब्सेंट एंड स्क्लेरेन्काइमा में भी एब्सेंट। अक्रेंस, पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? ये बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है, सारे के सारे सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है, पिथ में, कॉर्टेक्स में, मेडुलरी रेस में। अब ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक जो ग्रोइंग स्टेम है, लीव्स हैं, उसके अंदर पाया जाएगा। एंड कोलेन्काइमा पाया जाएगा डाइकोट स्टेम में, पेटियोल में एंड बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है लीफ की ऊपरी लेयर, सबसे ऊपर की लेयर जो एपिडर्मिस, उसके नीचे। एंड ये मोनोकोट में एब्सेंट रहेगा और रूट्स के अंदर भी ये एब्सेंट रहेगा, नहीं होगा। स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस होता है एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर, बंडल शीट में, पेरिसाइकिल में, सीड के अंदर क्योंकि सीड थोड़ा हार्ड रहता है और पल्प ऑफ फ्रूट्स में। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस करना। कोलेन्काइमा का फंक्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस करना। एंड स्क्लेरेन्काइमा क्योंकि डेड होता है ये स्ट्रेस कंडीशन से बचाता है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हमने पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू। थैंक यू सो मच।